रात से आई हुई मिट्टी को एकत्र करके लगाया जाएगा, जो कि एक यादगार बनेगी और हमेशा के लिए या आज के लिए। एक तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसके उपरांत के परिवार के निवास की उसको हम जिले में, जिले के बाद प्रदेश में और प्रदेश के बाद डाल अशोक जी डाल प्लेट दी नहीं है गल है मान दी गल है समान दी गल है इस धरती उस धरती जिस धरती ने सपूत पैदा किया बंदना दी। इसलिए प्रधानमंत्री साहब ने कार्यक्रम किया मेरी माटी मेरा देश। अब सब कार्यकर्ता थोड़े ग्रां इसलिए आए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देना है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। शहीद जोगिंदर सिंह जी अमर रहे। शहीद जोगिंदर सिंह जी अमर रहे। शहीद जगीर सिंह जी अमर रहे। शहीद शहीद जोगिंदर सिंह जी अमर रहे। मैं परमजीत कौर हाँ जगीर सिंह जी मैं नूँह हाँ जी। सर मतलब कि सारे मेरे रिश्तेदार है जो भी है मतलब कि अं यही सोचते हैं कि अगर सानू मेरे पापा जी ने याद किया जाता है शहीदों के नाम के बीच मैं चाहनी हाँ कि अं सारे चाहते हैं कि साढ़े उत्थे मतलब कि बसवाई मोड़ उत्थे गेट बनया जाए उन्होंने याद। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के चलते सेकेंड पार्ट में आज हमने आगाज किया है लच्छीपुर गांव की तरफ से। आज हम सब लच्छीपुर के निवासी और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता यहां लच्छीपुर पहुंचे हैं जहां इस गांव में सरदार जगीर सिंह और सरदार जोगिंदर सिंह ने इस देश के लिए अपनी जो शहादत दी उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनको वंदना करने के लिए इस गाँव में हम सब पहुँचे हैं। और इस मिट्टी इकट्ठी करने का प्रयास आज हमने जो किया है हमारा कर्तव्य है कि ये माटी जो कर्तव्य पथ बनने वाला है दिल्ली में इस लच्छीपुर गांव की जो माटी है वो वहां पहुंचाई जाए। जो प्रधानमंत्री साहब ने जो कार्यक्रम इन शहीदों को नमन करने का और याद करने का जो कार्यक्रम रखा है पूरे नेशन में और हर गाँव में बहुत उत्साह से लोग इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोग आदरणीय प्रधानमंत्री साहब का भी आभार प्रकट कर रहे हैं कि इतने सालों के बाद किसी सरकार ने उन शहादत देने वाले लोगों को उन जो जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए अपना बलिदान दिया उनको भी किसी सरकार ने याद किया है। आज इस कार्यक्रम के तहत हम सब यहां आए हैं और सब गांव निवासियों का जितने भी साथी हम जहाँ इकट्ठे हुए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूँ और इन शहीदों के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।